वार्ड क्रमांक 97 में दौर है मुंबई महानगर पालिका चुनाव का। जहां जाओ वहां पर चुनावी तैयारियां देखने को मिल रही है। हर वो उम्मीदवार जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है, लेकिन जीतेगा एक ही व्यक्ति। लड़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ताज होगा एक के ही सर पर, और वो किसका सर होगा ये जनता तय करेगी 21 फरवरी के दिन सुबह से लेकर शाम तक वोटों का दौर चलेगा। हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं। कहता सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? 18 साल। 18 साल में तो कई चुनाव आपने देखा होगा। जी। ये बताइए, हर बार चुनाव आता है, हर बार उम्मीदवार जनता के द्वार पहुंचता है और वही लोग लुभावन सपने दिखाता है। जी। कुछ तो बदलाव होना चाहिए, नहीं लगता? बदलाव होना चाहिए, इसीलिए हमारे वार्ड से बाबूलाल इनामदार अपक्ष उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हम लोग इनके लिए ही कोशिश करेंगे। चाचा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अपक्ष उम्मीदवार जब खड़े होते हैं चुनाव मैदान में तो जो राजनीतिक समीकरण है वो बिगड़ जाता है? बिगड़ेगा, लेकिन अभी हमारे हिसाब से तो हम इन्हीं को देंगे। एरिया के हैं, एरिया का बच्चा है, हमारे एरिया के लिए काम करता है। कहीं वोट काटने की भूमिका तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। वोट काटना उसके लिए नहीं, क्योंकि ये वही वार्ड है जो किसी जमाने में 92 के नाम से जाना जाता था। जी, और उस समय विनोद तिवारी नाम का एक उम्मीदवार खड़ा था बैट लेकर, और वही किसी के जीत के कारण बना, किसी की हार का कारण बना। अब ये तो ऐसा तो नहीं उस घटना की पुनरावृत्ति, वक्त आएगा तो फैसला मालूम पड़ेगा। अच्छा, लोगों से आप क्या कहेंगे, वोट देना कितना जरूरी है? वोट देना बहुत जरूरी है, अपना मत अपना देना चाहिए। वैसे हर व्यक्ति अपने उम्मीदवार की बात करता है कि उसके उम्मीदवार को वोट दिया जाए। हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, हमारा सरोकार बस इतना है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल चुनाव के दिन जरूर करें। हमारे साथ यहाँ पर आपका नाम? अशरफ नाम मेरा। अशरफ साहब, कितने सालों से रहते हैं? 20 साल से रहते हैं। आपने भी तो कई चुनाव देखे हैं। हाँ, बहुत सारे चुनाव देखे। ये बताइए कि चुनाव के दौरान वोटर के द्वार पे पहुंचता है कैंडिडेट, उसे दिखाता है सपने, जीत कर जब जाता है तो क्या अपने उस वादों की कसौटी पर खरा उतर पाता है? आधे भी वादे पूरे नहीं होते, आधे पर्दे पूरे होते, आधे पर्दे नहीं होते पूरे। जनाब, जिस मोहल्ले में आप बैठे हैं, कभी यहाँ बहुत झुग्गी बहुल इलाका हुआ था? झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत यहाँ पर विकास कार्य शुरू हुआ, लेकिन आज भी 17 साल बीतने के बाद भी वो पूरा नहीं हो पाया। अभी सब पर अभी हम लोग परेशान हैं। आप परेशान हैं? मुझे भी घर नहीं मिला। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार है, क्योंकि 2000 की अगर बात करेंगे आप, तो भारत चौहान साहब पहले चुनाव जीते 2002 में शिवसेना पार्टी से, उसके बाद में गीता चौहान जीत के आती है मनसे से, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बार कोई उम्मीदवार अब तक ऐसा नहीं मिला। हाँ, काम तो सब करते हैं, अपने हिसाब से सब करते हैं, लेकिन पब्लिक को फुल फायदा नहीं हुआ किसी चाहिए नहीं हुआ। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि इस बार फायदा हो लोगों को। जो भी उम्मीदवार चुनाव के दौरान इस अखाड़े में कूदा है, उसे जनता जरूर स्वीकारेगी, और जीत के जाने के बाद वो व्यक्ति अपने इलाके की जनता का सुध लेने जरूर आएगी। वैसे हम भी उन तमाम इलाकों का दौरा जहाँ जहाँ हमने किया है, हमने पाया है कि लोग हर बार की तरह लोगों के पास आते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन जब जीत कर जाते हैं तो लौट कर नहीं आते। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत साल 2000 में यहाँ पर एक मार्च डेमोलिशन हुआ था। झुग्गी बहुल इलाका माना जाता है चूनाभट्टी दौलत नगर। विकास का स्वरूप देखने को तो मिल रहा है, लेकिन 100% नहीं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग ट्रांजिट कैंप में बद से बदतर परिस्थिति का जो सामना करने पर मजबूर है। कई और भी लोग हैं हमारे साथ, आप करना चाहेंगे? आयुष साहब, आप यही रहते हैं, आपने कितने चुनाव देखा? जनता के बीच चुनाव के दौरान हर उम्मीदवार पहुंचता है, लोग लुभावन सपने दिखाता है, लेकिन जब जीत कर जाता है तो लौट कर नहीं आता। सच है, मैं सच कह रहा हूँ? आज तक तो देखे नहीं देखे। ये बताइए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या है? सारी समस्या कचरे की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, सब समस्या है। तो समस्याओं से सराबोर है ये वार्ड 97। 16 धुरंधर उतरे हैं इस राजनीति के अखाड़े में। आज तक घर नहीं मिले भाई। थोड़ा पीछे, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे सर? अब किसको मानेंगे, जो भी आता सभी सरकारी जिम्मेदार है ना।
यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 100 मीटर के अंतराल पर कांग्रेस का मंडप लगा हुआ है जिसमें उम्मीदवार है कांग्रेस के अर्जुन सिंह, उन्होंने कितनी भूमिका निभाई। इसके अलावा शिवसेना के जो उम्मीदवार जीत कर आए उन्होंने कितनी भूमिका निभाई। ये इलेक्शन में दिख रहे हैं, अभी उससे पहले इलेक्शन में थे तो सूरत ही नहीं देखी, ये तो अभी दिख रहे हैं इलेक्शन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। ये 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 न वक्तव्य हमारे हैं न संवाद हमारे हैं, ये आरोप है जनता का, ये जनता के आरोप है उस जनता के जो इस लोकतंत्र में जनार्दन कही जाती है, जनार्दन की उपमा दी गई है जनता को। और हमारे साथ और भी एक शख्सियत है जनाब, नाम आपका? मस्तान इनामदार। इनामदार साहब ये बताइए, सामने जो हम देख रहे हैं उम्मीदवार को उनका भी नाम है बाबूलाल कादर इनामदार, निशानी है उनकी बैट, बैट की अगर बात करें तो हर बार बैट की कोई ना कोई भूमिका यहाँ देखने को मिलती है। किसी जमाने में सतीश कोचरे बैट लेकर खड़े थे, उसके बाद विनोद राम नगीना तिवारी बैट लेकर खड़े हुए, विनोद तिवारी जीत नहीं पाए तो अर्जुन सिंह हार गए, शिवसेना के मोहन लोके का होकर जीत गए ना, बैट की भूमिका है इस पर क्या लगता है? इस टाइम भी सब में बड़ी अगर भूमिका यहाँ पर रहेगी तो बैट की ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो खड़े किया गया है बाबूलाल इनामदार को, ये आगे जो निवासी लोग भी मिलकर लोकल लोग ने उनको खड़ा किया गया है कि ये तुम यहाँ पर खड़े रहो, बाकी सब आज 10-10 साल इधर देखेंगे, वोटिंग के टाइम इधर सब आएंगे अपना रैली करेंगे प्रचार करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर काम किसी ने नहीं, किसी ने नहीं किया। यहाँ पर श्री भावना जैन और गुरुदास कामत जब MP थे तो उनके साथ हम लोग राष्ट्रवादी में पहले थे, जब हमने पार्टी छोड़ दिया है, और गार्डन का काम और ये सोलर लाइट जितना भी लगा है हमने उनके साथ मिलकर काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर, बस उन्होंने काम किया, बाकी किसी ने यहाँ पर काम नहीं किया। यहाँ की सड़कों की बात करें तो दौलतनगर ये रोड यहाँ से SV रोड को टच करता है, ये रोड की जो हालत है वो 12 महीने कैसे? मैं तो 12 महीने नहीं बोलूँगा, इसको 15 साल से जब से ये रीडेवलप चल रहा है जब से ये हाल है, 12-13 महीने की बात ही नहीं, 12-13 महीने तो हर साल में आता है। इधर जाएगा तो घूम क्या, ये तो हर जब से 15-16 साल हुआ जब से ये चालू है, ये रोड आप इधर बाजू में रहते हो। जी जी जी, बेट तो सबके हाथ में गया लेकिन अब जिसके हाथ में है ना अब चौके छक्के लगेंगे, पहले तो सब रन आउट हो रहे थे, अब मेरे भाई के हाथ में गया अब चौके छक्के लगे। तो कुल मिला के बैट की भूमिका काफी प्रबल है और बैट को लोग अपना समर्थन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब तक के जो भी नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आए उन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। सड़कों की बदहाली, पीने पानी की समस्या, विकास से वंचित ये इलाका बयां कर रहा है यहाँ के बदहाली की वो दास्तां जो यहाँ के नेताओं द्वारा दी गई है, तो बड़े पैमाने पर लोग हैं। जी माता जी, कुछ कह रहे हैं आप? माता जी कुछ कह रहे हैं आप? वोट देते हैं हमेशा देते आ रहे हैं, सालों से दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, मुंबई में 30-40 साल के मेरे बच्चे खड़े सारे इना के बराबर के हाँ सुना जा रहे हैं। एक बात बताइए, जो खड़ा होता है चुनाव में जब वो जीत के जाता है तो क्या वापस आता है? कोई नहीं आता, नहीं आता। हम जहाँ जा रहे हैं माता जी, लोगों का एक ही कहना है कि जब भी नेता जीत के जाता है तो लौट कर नहीं आता, आपको कितना अनुभव है इस चीज का? 17 साल से मेरा एक रूम वो नहीं हुआ अभी तक, पतना पतना पतर पतर पतर। सवाल वही कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत चूनाभट्टी दौलतनगर इलाके का विकास कार्य साल 2000 से शुरू है लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए पूरा नहीं हो पाया, यदि वो पूरा हो गया तो राजनेताओं की राजनीति समाप्त हो जाएगी ऐसा लगता है, और यही कारण है कि बैट इस तरह के उम्मीदवार चुनाव मैदान में देखे जाते हैं जो कभी किसी जमाने में किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे लेकिन आज बगावत का बिगुल बजा है क्योंकि काम सही नहीं हुआ है। अब कई लोग हैं साथ में, युवा है बड़े पैमाने पर, आपका नाम जनाब? गुलजार शेख नाम है मेरा। गुलजार साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं किस तरीके से अपने मन की बातों को आप बाहर निकालेंगे खास करके इस चुनाव को लेकर? चुनाव के बारे में तो हम तो बोल ही नहीं लेंगे लेकिन उससे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि 15 साल से हम लगातार देख रहे हैं रोड के लिए हम बहुत सी शिकायत लेके गए, यहाँ से दौलतनगर में आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, लोगों को हम लोग लेके जाते दवाखाना पहुँचाते, पहुँचाने के बावजूद भी ये बात है कि हमने लिखा पढ़ी भी करके दिया है लेकिन 15 साल से ये देख रहे हैं कि बोले यार BMC बोल रहा है कि बोले बिल्डर का काम है, बिल्डर बोलता है BMC का काम है, आप बताइए रोड पे कौन सा भी बिल्डिंग खड़ा होने वाला है? मतलब नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है, यानी बिल्डर अपने सारे का ठिकरा BMC पर फोड़ता है, BMC बिल्डर पर फोड़ता है, SRA प्राधिकरण अपनी भूमिका में है लेकिन काम नहीं होगा, यानी कहने का मतलब काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर पर काम न कर। हमारे साथ गुलजार साहब लगातार अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और हम उनसे ये पूछ भी रहे हैं, ये बताइए
होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, विकास आएगी कह रहे हैं और हम सुनते आ रहे हैं आज तक भी, लेकिन कहाँ आ रही है विकास? अब देखिए, एक वक्त ये था बाल ठाकरे साहब आते थे तो हमें कोई है ना प्रचार रखने की जरूरत नहीं था, ना कोई निशानी रखने की जरूरत था कि हम जानते थे कि वो तीर का निशानी है। सुनील दत्त साहब आते थे तो उनको कोई निशानी दिखाने की जरूरत नहीं था, वो था कांग्रेस का। आजकल तो लोग क्या क्या निशानी लेके आ रहे, किसको दे किसको नहीं दे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने सुनील दत्त का नाम लिया तो मैं अपने दर्शकों का ध्यान उस दौर पर आकृष्ट करवाना चाहता हूँ जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर डेमोलेशन की प्रक्रिया चल रही थी और उस बंदे ने बुलडोजर के सामने सोकर या उस डेमोलेशन को रुकवाया था, जिसके बाद हाथों हाथ यहाँ की जनता ने उनको अपने सिर पर बिठा लिया था। लेकिन उसके बाद सांसद बनी लेकिन वो भूमिका अदा नहीं कर पाई जो विश्व शांति दूत के नाम से जाने जाने वाले सुनील दत्त साहब ने किया। वैसे यहाँ पर आरिफ है, आरिफ से हम ये जानना चाहेंगे, आरिफ कई सालों से आप यहाँ रहते हैं, कई तजुर्बा बड़े अनुभव है आपके पास चुनाव का, कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, समाजवादी, MIM, बहुजन समाज, तमाम उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है, लगता क्या है आपको, होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए, लोगों को वोट करना चाहिए कि नहीं? नहीं, वोट तो करना चाहिए लेकिन सही आदमी को करना चाहिए। बड़े लोग बैठे उधर चलते चलते। यहाँ पे मुझे तो जितने भी पार्टी लेवल वाले सब चोर है, कोई सही नहीं लग रहा। मुझे निर्दलीय जो है वो एक नंबर है, निर्दलीय सब ईमानदार लोग है जो कोई पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन आज बगावत करके वो अपना निर्दलीय अपनी अपना चिन्ह लेके खड़े हुए हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ से 3 नंबर और 1 नंबर में बेड की तरफ पब्लिक ज्यादा आकर्षक है। यानी सब्र का बांध जब टूटता है तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं और इस तरह के वक्तव्य सुनने को मिलते हैं। लोगों के गले के नीचे नहीं उतर पा रहा है कि आखिर ये किस तरह का चुनाव, क्योंकि हर बार चुनाव आता है, हर बार लोग लुभावन सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य वही कि जो नेता जीत कर जाता है वो जनता के बीच लौट कर नहीं आता। हमारे साथ और भी एक शख्स है, आपका नाम मुन्ना, ये बताइए मुन्ना साहब, जो तकलीफें यहाँ दिखाई दे रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रशासन जिम्मेदार है और कौन? प्रशासन जिम्मेदार है, क्या जनता जिम्मेदार नहीं है? जनता कहाँ से जिम्मेदार है? जनता तो अपना काम पूरा कर रही है। जनता कैसे अपना काम पूरा कर रही है? जनता ने यदि पूरा काम किया होता तो शायद एक अच्छा नेता चुनकर आता और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। अब तो सिर्फ जहाँ जाओ पैसे का ही खेल दिख रहा है जना। जिस चीज को हम वोट देते हैं, अगर कांग्रेस साहब ये जीत के 5 साल के बाद गुल हो जाती है, नेक्स्ट साल हम वोट कैंडिडेट चेंज करते हैं, दूसरे को लाते वो भी ऐसी निकलता है, तीसरे को लाते, अब पिछले 15 साल से तो यही हो रहा है। इसीलिए हमने मजबूरी से हमारे बैट वाले को खड़े किया, जो पिछले 15 साल से वो शिवसेना में काम कर चुके हैं, 5 साल उन्होंने राष्ट्रवादी में काम किया है, आज वो इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं मजबूरी से, क्यों यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। गलतियाँ कहाँ हो? गलतियाँ प्रशासन और अधिकारियों की है, जहाँ पर लेटर तो सुनवाई नहीं होती। आपके वार्ड के कांग्रेस के कैंडिडेट है अर्जुन उज्ज्वला सिंह, कुछ दिन पहले उनकी एक जाहिर सभा थी, जाहिर सभा में एक व्यक्ति मंच पर चढ़ता और कहता है कि अर्जुन सिंह साहब से बहुत गलतियाँ हुई हैं, उनको गलती सुधारने का एक मौका दिया। आप क्या कहेंगे? ऑलरेडी 2 कैंडिडेट जो 2 बार हार चुका है वो तीसरी बार खड़ा है, इसी अगर इसी जगह दूसरे कोई कैंडिडेट को खड़े करते तो पब्लिक सोचती उसके बारे में। लेकिन वो अर्जुन सिंह 10 साल जब से वो इलेक्शन जब से 2 बार हरा है उसके बाद 10 साल वो दिखा भी नहीं, और किसी के शादी में, किसी की मैयत में, किसी को पुलिस स्टेशन छुड़ाने में, किसी को दवा खाने में वो कैंडिडेट किधर नहीं दिखा है, और उसको लाके इधर खड़ा कर दिया गया है। इसके लिए यहाँ की जो भी पब्लिक सबका नाराज है उनको यहाँ से मत नहीं मिलेगा। कुल मिला के लोग इसमें इतनी गड़बड़ है, जिस इन इलेक्शनों का लोग आएंगे वोट डालने के लिए मुझे नहीं लगता कि सबके नाम हो इसमें, इतनी एक आदमी का 3 जगह नाम है, किसी की औरत की फोटो तो आदमी का नाम है, जो पुराने वोटर्स थे 2012 के उनके नाम भूल है कितने के, क्या आपने ये देखा है? मैं खुद देखा हूँ और वार्ड 97 की बात कर रहा हूँ और मैं कल खुद यादी बैठ के देखा हूँ, छाटा हूँ, लोगों के नाम गुल है और ये 2012 की यादी से मैच नहीं खा रही, इसमें कितने नाम गुल है। जब मैं अधिकारी गया बांद्रा अपना अंधेरी में, अधिकारी को बोला भाई इसमें ये नाम कैसे गुल हो गया, जो नई लिस्ट आई है 2017 की आपने, बोले एक काम करो आप नया फॉर्म भर दो। क्या हम यही काम करते बैठेंगे, फॉर्म भरते बैठेंगे, अधिकारी नाम काटते रहेंगे? यानी अब आपने
अपने जो कर्तव्य का जो जिम्मेदारी होती है कर्तव्य निर्वाह करने की, वो जनता के ऊपर थोकी जा रही है। वक्त तो चला है कि छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ बुजुर्गों से भी हम मिलेंगे और जानेंगे कि उनकी आखिर राय इस चुनाव को लेकर क्या है। बने रहिए जीतेगा भाई जीतेगा। मुंबई के नगर सेवकों हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। हर वार्ड का हम लेंगे जायजा, देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे सिर्फ इन 24 न्यूज पर। वार्ड एक्सरे में आपका एक बार फिर स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले कई लोगों की कई बातें हमने आप तक पहुंचाई और वो भी बिना कट किए। अब एक बार फिर लोगों के पास हम जाएंगे। चाचा आपका नाम क्या है? हमारा मोहम्मद बशीर नाम है। कितने सालों से रहते हैं? 40 साल हो गया और यही हाल देखता हूँ, कुछ सुधरना बनना वाला कोई काम नहीं करता। कौन सी पार्टी काम की है? कोई पार्टी का सब वोट मांगने का गज मारे आते हैं और कोई कुछ नहीं करता है। करने का क्या है? कुछ नहीं करते, खाली नोट लेने का आते हैं। वोट ले ले अपने काम से निकल गए जाओ। मतलब नोट दे के वोट लेने? हाँ बस अपना काम। लेकिन जब वो नोट दे, जब वो नोट देने आते हैं तो हम क्यों लेते हैं? नोट नहीं देते वो, वोट लेने को आते हैं। खाली वोट मोहर लगा दो, उनकी काम हो गई, वो बगल हो गए, तुम जाओ चाहे मरो या जियो। तो उन लोगों की गलती नहीं है जो पैसे लेके वोट देते हैं? ना हाँ उनकी गलती नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुल मिला के कई लोग हैं, जहन में कई सवाल हैं। हाँ, अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी बातें हमारे कैमरे के सामने रख रहे हैं और हम ये खबर पूरी पारदर्शिता के साथ अपने दर्शकों तक। बच्चे 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 पीछे। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, चाचा है, चाचा से हम जानने की कोशिश करते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? कितने साल? आप बताइए, आजादी के बाद का जो दौर था वो आपने देखा है, कई चुनाव कहते हैं 1959 में महानगर पालिका का गठन किया गया, 1959 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद कई चुनाव का दौर बीता, हर बार नेता आता है, अब तो उसके ऊपर कहानियां बनने लगी है, चुटकुले बनने लगे हैं, हास्यास्पद शब्दों का प्रयोग किया जाता है नेताओं को लेकर। क्या आपके नेता सुधर पाए हैं? और सबसे खतरनाक मोदी, सबसे खतरनाक। पूछो क्यों? क्यों हम लोग चमार बन गए, हर मुसलमान चमार बन गया, मायावती ने गोद में ले लिया जिसको, हर यही इज्जत है। हमको आपने क्यों निकाला? आप बाहर के यानी पैसे लाने वाले हिंदुस्तान को तबाह कर दिया पैसे निकाल कर, गलत तो नहीं कह रहे? नोटबंदी की बात कर रहे हैं? हाँ नोटबंदी की बात कर रहे हैं। ये नोटबंदी के और उत्तराखंड की कल की बात बच्चे बता रहे पीछे हो गया। हर आदमी पैसे के मोहताज है, वोट लेके चले गए मगर 800-400 रुपए उनकी यानी देने के लिए तैयार नहीं, बेचारे जो गरीब मजदूर आदमी तो मर गए, मजदूर आदमी बोले तो मर गए। उत्तराखंड की बात बता रहे हैं आपको जी, समझे? हम रोड टीवी हम हर चीज देख रहे हैं, तो मोदी से खतरनाक कोई मोदी नहीं पैदा होगा। आपने कहा मोदी से खतरनाक कोई मोदी पैदा नहीं होगा, सवाल का मैं जवाब दूंगा ना। अब मेरा सवाल यह है, सवाल स्थानीय निकाय चुनाव का हो रहा है, सवाल उससे संबंधित है। बात भले मोदी लहर की हो, भारतीय जनता पार्टी भले ही ओवर कॉन्फिडेंस से लबरेज हो, हम उसकी बात नहीं करेंगे। रहेगी ना लहर, रहेगी ना लहर, रहेगी। क्या मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एक बार फिर शिवसेना का राज होगा? शिवसेना आ गई है, आ गई, आना आ गई। जो तलखियां हैं दो पार्टियों के बीच में, जो याराना दोस्ताना जो था, वो अब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, जो एक दूसरे के गले लगते देखे जाते थे कभी, जो बीज बोया था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे,
इन तमाम नेताओं ने जो युति का एक बीज लगाया था वो बीज समूल नष्ट हो चुका है। और अब एकला चलो की तर्ज पर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी, इस पर हमने अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति का उनकी प्रतिक्रिया सुनी। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व यहाँ से लगभग समाप्त है। शिवसेना यहाँ पर 16 आना आ चुकी है, वैसे अभी 21 तारीख को चुनाव होना है, कुछ भी कहना प्री मैच्योर होगा। लेकिन आपसे एक बात जानना चाहेंगे, MIM मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये एक ऐसी पार्टी है जिसने महाराष्ट्र के कई जिलों में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में अपना परचम लहरा दिया है। क्या लगता है आपको, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई के 227 वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, क्या लगता है नहीं आएगी? इसके अलावा मनसे की बात करें, समाजवादी पार्टी का क्या? बहुत अच्छा रहेगा यूपी का, अगर वो लगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, मोदी सबको काट डालेंगे। बातें बहुत गंभीर है, मोदी साहब को लेकर कई तरीके की बातें हो रही है। वैसे अभी चुनावी माहौल है, चुनावी नतीजे जब आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा, कई लोग हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, बतौर एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक सीनियर सिटीजन है आप, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या वोट देना चाहिए अपने घरों से निकलकर? क्योंकि यदि विकास को हमको देखना है, समाज जो है अगर उसमें कुछ बदलाव लाना है तो वोट तो देना चाहिए, वोट लोग नहीं देते। हम जिसमें उसको वोट दे, नहीं नहीं वो अधिकार है। सवाल ये नहीं है कि आप वोट किसको देते हैं, नहीं नहीं, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल वो तो करना चाहिए, होना चाहिए, वो अधिकार है हमारा। अब वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे वो बात की बात, ये बात की बात है, लेकिन वोट तो देना चाहिए, अधिकार है, अधिकार। लोग क्यों नहीं निकल पाते घरों से? लेकिन जो जागरूकता लोगों में आनी चाहिए थी, लगभग वो आ चुकी है। कई लोग और भी हमारे साथ सुबह से लेकर चाय देते हैं लोगों को, और खास करके कई काफिलाओं को इन्होंने देखा है, किसी भी पार्टी से संबंधित हो। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे चुनाव प्रचार करते हुए आपने कई पार्टियों का आपने रैला देखा होगा, क्या लगता है उस रैली को देखते हुए हवा किस तरीके की है? देखा जाए तो सब कुछ हवा है, चाहिए जो आएगा वो आएगा, बस अपने एरिया का है, अपना जो उसी को कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर व्यक्ति चाहता है, हवा सबकी अपनी अपनी है, अपनी अपनी जीत को लेकर सभी सुनिश्चित है, सब विश्वस्त है, वो चाहते हैं कि उन्हें भी पूरी तरीके से मौका दिया जाए। अंतिम समय काफी कम है, अब ये देखिए यहाँ पर मोदी जी ने लिखा है सफे अभियान। मैं कहता हूँ कि BMC में हर साल इतना बजट निकलता है, यहाँ की आबादी इतनी है कि हम मजबूर है कहीं रोड पर टूटना या कहीं, तो सरकार को नहीं चाहिए कि मैं शूटिंग लाइन में काम करता हूँ, अक्सर बाहर जाया करता हूँ, मैं बाहर जब कंट्री में जाता हूँ तो देखता हूँ तो हर खंभे पे, हर दो खंभे एक खंभे पर कचरे का डस्टबिन होता है, जिसपे पब्लिक को फैसिलिटी होती है फेंकने की कचरा या कुछ। यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं, बजट तो बहुत पास है, हर खंभे पर एक डब्बा नहीं लगना चाहिए, छोटा डस्टबिन नहीं लगना चाहिए। हम दूसरे देश को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आके ऐसा करो, इसका क्या मतलब है? हमारा देश इतना गंदा है कि दूसरे लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को? स्वच्छ भारत मतलब दुनिया को हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा भारत गंदा है? अरे खुद पहले सुधारो, BMC इतना बजट निकाल के हर खंभे पे, BMC की इन्होंने बात की है तो हम अपने दर्शकों को बता दें, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है ब्रांड मुंबई महानगर पालिका, जिसका सालाना आर्थिक बजट 37,000 करोड़ से भी अधिक का रहा है, और हर बार बजट निकलता है, हर बार लोगों के सामने लोग लुभावन सपने दिखाए जाते हैं, हर बार प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन जब उसके अमलीकरण अमलीजामा पहनाने का वक्त आता है तो नतीजा निकलता है सिर्फ ढाक के तीन पाल। और कुछ कह रहे थे आप? यही कहना चाहूंगा, फूंक दो तो आदमी पकड़ लेगा। ये हमारे से बड़ी गलती हो गई, जब तक बाल ठाकरे साहब थे तो मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा था, आज भी रहते तो वो तमाशा देखते, क्योंकि आज जो हो रहा है उनके गैर हाजिरी में ये नहीं होना चाहिए था, आज वो है नहीं है, हमें अफसोस है, अगर वो रहते तो आज शिवसेना दिखाती अपनी ताकत, मगर अफसोस के वो नहीं है, उनका एक भाषण पूरे महाराष्ट्र को हिला देता है। मतलब आपने प्रेरणा ली है उनसे? जरूर जरूर, उन्होंने हम मुस्लिमों को बहुत अच्छे तरह से सिखाया है।
लेकिन उन्होंने मुस्लिमों को तो खिलाफ ही हमेशा बोला है। उठाया उन्होंने, जगाया है उन्होंने मुसलमानों को, जगाया है। जरा समझो आप, जगाया है उनको, जगाया उन्होंने, आँख खोल दिया मुसलमानों का। आज मुसलमान वो हो गए कि काटने के हिसाब में आ गए, जैसे बकरा कटता है। ये मोदी का राज है, मोदी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जाओ लिख लो। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। नहीं आएगा ये। बाल ठाकरे जी ने कहा था कि रोड पे नमाज पढ़ते हैं, ये गलत है। सही बात है, उन्होंने सही कहा है। रोड घेर लेते हैं, ये गलत है, सही कहा है। मगर आज तक जितनी प्रशासन बाल ठाकरे के पहले आए, किसी ने ये सोचा था? उन्होंने जगाया हमको, बोले आप FSI लो, बिल्डिंग ऊंची करो, मस्जिदें ऊंची करो, नमाज अंदर पढ़ो, रोड पे तकलीफ मत। ये उनके राज्य में हुआ है। और कौन सी प्रशासन, कांग्रेस इतने साल रही, कभी आज़ादी उन्होंने मस्जिद को परमिशन दी? बाल ठाकरे थे ऐसे जिन्होंने बोला 3 माला बनाओ मगर रोड पे मत पढ़ो। तो उन्होंने ये गलत किया? उनकी सोच गलत नहीं है, उनको सोचने वाले गलत है। कुल मिला के बाला साहेब ठाकरे की ये बात कर रहे थे और उनकी उनकी उनके किए गए कार्यों के बारे में उसका अनुसरण कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और वाकई व्यक्ति नहीं हो, व्यक्ति का काम बोलना चाहिए। बांद्रा की मस्जिद है, स्टेशन की उन्होंने परमिशन दी, जब भी ऊंची हुई ना वो 3 माला 4 माला जो भी बना, बांद्रा स्टेशन पे भारी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे ना, बरोबर, सबको तकलीफ होती थी, तो इस तरह से परमिशन सबको मिली। जो भी है, BTC में जो इस्तेमाल हुआ था उसमें परमिशन को, जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी वो परमिशन नहीं मिला था, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने 2 दिन में वो परमिशन दिला के वहाँ पर इस्तेमाल करवाए थे। हम उनके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आज हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं बैट लेके। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बैट लेकर, और ये 21 फरवरी का दिन तय करेगा कि बल्ले में कितनी ताकत है। और हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हमारे पास जाएंगे हम एक वादों का अंबार लगाते हैं, चुनावी घोषणा पत्र तैयार किए जाते हैं, जिन जिन मुद्दों का उल्लेख चुनावी घोषणा पत्र में किया जाता है क्या उनको पूरा ठीक कर पाते हैं? शक्ल ही नहीं देखने मिलते जो चुनावी घोषणा पत्र के वादों का, तो बहुत दूर की बात है, उनकी शक्ल नहीं देखने मिलती। जहाँ भी आप बैठे हैं ये सड़क मेरे ख्याल से SP रोड को टच करती है। अभी हमारे भूतपूर्व कॉर्पोरेटर थी, उनको जीतने के बाद 5 साल हो गए, हमने उस एरिया के अंदर कभी जाते हुए नहीं देखा, इस रोड में आते जाते नहीं देखा। आप गीता श्री कृष्ण बाड़ा चौहान की बात? हाँ जी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो खाली चुनावी, लेकिन उन्हें जीत तो मिली थी आई प्लॉट से। हाँ मिली है, तो आदमी यही देख कर देता है कि लेडीज कॉर्पोरेटर है, ये शायद हमारे काम आएगी। लेकिन सब नेते उसी रंग में रंग जाते हैं, जब उनको सत्ता में आ जाते सीट मिल जाती है। सब नेता एक ही रंग में रंग जाते हैं जब उनको सीट मिल जाती है। वैसे दौलत नगर चूना भट्टी के बीच में ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, जहां पर कई सालों से जिनके मकान टूटे हैं वो लोग रह रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो अपने बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है, और नेतागण मानो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। तो कई लोग हैं हमारे साथ, और खास करके इस दौलत नगर की हम बात करें, सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी अपने घरों से बाहर हैं, संक्रमण शिविर में है। कभी वहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, कभी छत टपकती है बरसात के दौरान, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने में दिक्कत, हर चीज़ की तकलीफें, लेकिन प्रशासन को उनसे मानो कोई सरोकार नहीं रह गया है। हर बार चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के समय जब भी उम्मीदवार लोगों के बीच पहुँचते हैं तो वादे करते हैं। पिछली बार भी सूत्र हमें यहाँ से बता रहे हैं कि पिछले बार भी उनसे वादा किया गया था ट्रांजिट कैंप में रहने वालों से कि हम आपको जीत के आने के बाद आपको घर के बदले घर की जो प्रथा सरकार ने शुरू की है उसकी तर्ज पर हम आपको मकान जरूर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इंसान वही है, संक्रमण शिविर भी वही है, और आंखों के आंसू जो छलकते हैं वो बयां करते हैं कि वक्त बदल चुका है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। साहब ये बताइए, बताओ युवा आप क्या सोचते हैं? बड़ी संख्या में युवाओं को क्या बाहर नहीं आना चाहिए ऐसे समय में जब एक चुनाव का दौर हो? देश खराब हो गया, देश को अच्छा करना है। आप क्या सोचते हैं? सही बात है, युवाओं को आना चाहिए। तो युवाओं को आना चाहिए, आप वोट देते हैं? हाँ, मैं भी वोट।
वोट देना हमारा अधिकार है कि वह अधिकार। तो युवाओं से आप क्या कहेंगे, वोट देना चाहिए? वोट देना चाहिए, घर से निकल के जल्द से जल्द सबसे पहले वोट करके वोट देना। तो कुल मिला के यदि आप वोट नहीं देते हैं तो 5 सालों तक किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है। यदि आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो ये लोकतंत्र मजबूत होगा, समाज में बदलाव दिखेगा और हर उस सवाल का जवाब जानने का आपको अधिकार होगा जो जनता से संबंधित है। बहरहाल हमारे इस आज के इस सफर में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी अन्य वार्ड के वार्ड एक्सरे को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।